हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आईएएस प्रीलिम्स 2021 के सिलेबस की। इस वीडियो में इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, साथ ही कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही पिछले सालों में किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आप इसके बारे में इस वेबसाइट पे आके देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। उसके साथ ही आप सभी सिलेबस के पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी के लिए नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। ये 3 नए बैच जो है प्रत्येक सप्ताह स्टार्ट किए जाएंगे। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये बैच जरूर ज्वाइन करने चाहिए। अनअकैडमी द्वारा 3 नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। पहला बैच जो है मिशन बैच है, जो कि बाइलिंगुअल है। आप दोनों लैंग्वेज में इसमें तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो आपको एक्सपीडिशन बैच ज्वाइन करना चाहिए। इन सभी बैच की ड्यूरेशन की बात करें तो आप 6 महीने के लिए या फिर 12 महीने के लिए या फिर 24 महीने के लिए इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस होंगे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। यहाँ पर आपके प्रीलिम्स और मेंस के सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे और स्टडी मटेरियल्स के नोट आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ ही डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, जिसमें 1-to-1 डाउट क्लियर किए जाएंगे। साथ ही प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी और उनका एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी। ये बैच आप 6 मंथ की ड्यूरेशन में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर 1 ईयर की ड्यूरेशन में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप 2 साल की ड्यूरेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके आप यहां पर प्लान देख सकते हैं। आपको लेकिन ये प्राइस नहीं पे करना है। आप यहां पर एसआर अड्डा कूपन कोड यूज़ करें, जिससे आपको लगभग 7,000 से लेकर 15,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप एसआर अड्डा कूपन कोड यूज़ करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न की। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2, जिसे सी सेट बोलते हैं। जनरल स्टडीज 1 में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 200 नंबर के होंगे, और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। साथ ही इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। और क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सी सेट की। तो सी सेट में टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 200 नंबर के होंगे, और सी सेट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। वहीं पर अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें प्रत्येक गलत आंसर के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग है, और पेपर टाइप की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करेंगे पेपर 1 के सिलेबस की, जो कि 200 नंबर का है और 2 घंटे का समय दिया जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। इसमें आपसे करेंट इवेंट ऑफ नेशनल तथा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया तथा इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन तथा वर्ल्ड जियोग्राफी पूछी जाएगी, जिसमें आपसे फिजिकल जियोग्राफी, सोशल जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया तथा वर्ल्ड के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही इकोनॉमिक तथा सोशल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक तथा सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही जनरल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी तथा क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सी सेट के पेपर की, जो कि 200 नंबर का होगा। इसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें बेसिक न्यूमेरेसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे नंबर और उनके रिलेशन के बारे में पूछा जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चंस का लेवल जो है आपके 10th के लेवल का होगा। इसके साथ ही डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे चार्ट पूछे जाएगा, ग्राफ्स पूछे जाएंगे, टेबल्स तथा डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इन क्वेश्चंस का लेवल आपका 10th के लेवल का होगा। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर की। सी सेट का पेपर आपका जो है क्वालिफाइंग होगा। इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है। इसमें आपसे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी कैंडिडेट को दोनों क्वेश्चन पेपर में अपीयर होना कंपलसरी है। इसके साथ ही किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में इस वेबसाइट पे डिटेल में दिया गया है। आप यहाँ पर आकर डिटेल में पढ़ सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।